हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो। मैं भी बहुत बढ़िया से हूँ। बहुत टाइम के बाद मैं आपके साथ आज ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। एंड इग्नोर माय बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि हमारे घर के पास काम चल रहा है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा टक टक की आवाज़ सुनाई दे सकती है। एंड आप लोगों को मेरी डेली रूटीन देखना बहुत पसंद है। ज़्यादातर प्यार मुझे इस वाली ब्लॉग में या फिर इस टाइप की वीडियो में मिलता है, तो मुझे लगा क्यों ना काफ़ी टाइम हो गया है तो मैं थोड़ा बहुत आपके साथ मेरी रूटीन या फिर ब्लॉग जो है मेरा लाइफ है वो मैं अपडेट करती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये वाला जो है, मैं काम करती हूँ यहाँ पे। मेरे जितने भी यूट्यूब के काम होता है, पीआर आता है, जो भी होता है वो इस रूम पे ही मैं करती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी बैठ कर कल रात को उनका भी कुछ काम था वो कर रहे थे, तो सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है। और बच्चे भी हमारे साथ खेल रहे थे, उनका भी खिलौना है, तो मुझे लगा क्यों ना इस रूम को मैं थोड़ा बहुत अच्छे से क्लीन कर लूँ, बेडशीट वगैरह बिछा लूँ, क्योंकि बेडशीट भी गंदा हो चुका था। तो मुझे लगा क्यों ना सुबह से उठ के ये वाला काम मैं पहले निपटा लेती हूँ, नहीं तो क्या होगा ना, काम करने का जगह अगर गंदा रहेगा तो मुझे काम करने का मन नहीं करता है, ना ही मुझे कुछ अच्छे से मिलता है जो मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान होती हूँ। तो इसी वजह से मैंने सारा कुछ क्लीन किया। एंड उनके भी जितने सामान है वो भी, पेपर वगैरह है वो भी, ने सारा कुछ अच्छे से रख लिया है, नहीं तो शिवंग से इधर उधर करेगा तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सारा कुछ क्लीन होने के बाद मुझे लगता है आधा काम हो गया है, जैसे कि दिन का पूरा काम कंप्लीट कर लिया है। तो फटाफट मैं आ गई थी मेरी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। आज मैं ब्रेकफास्ट में सिवाया कि जो खीर होते हैं ना वो मैं बना रही हूँ दूध वगैरह डाल के। ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल होती है, इसको ईजी बनाना होता है, तो इसी वजह से मैंने बना लिया। उसका कोई रेसिपी नहीं है, डेफिनेटली ये बहुत ही ईजी पीजी सा रेसिपी था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। एंड ये था सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट होने के बाद मैं छत पे गई थी, आम जो होता है ना वो मैं अचार करने के लिए उसको सुखाने, धूप पे सुखाने के लिए गई थी। एक्चुअली बहुत टाइम के बाद इस टाइप की वीडियो करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है, एंड इसको एडिट करके अपलोड करने में और भी ज़्यादा मेहनत लग जाती है। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह जाके धूप, बहुत ज़्यादा कड़क वाली जो धूप होती है ना, गर्मियाँ होती है यहाँ पर होने लगी है, तो वहाँ पर अगर आम एक या फिर दो दिन रख दो तो भाई साहब वो तो एकदम से पापड़ जैसा हो जाता है। तो मैंने अच्छे से एक एक करके अच्छे से रख दिया है। एंड यहाँ पे जो है लंच, कुछ टाइम के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, लंच बना रही हूँ शिवांग्स के लिए खिचड़ी, क्योंकि आज मैं बना रही थी नॉनवेज। नॉनवेज की जो करी होता है वो थोड़ा बहुत मैं शिवांग्स को देती हूँ, ऐसा नहीं है वो नहीं खाता है, वो खाता है, लेकिन मैं पूरी तरीके से नहीं दे रही हूँ, क्योंकि अगर पेट वगैरह ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ओबियसली इस टाइम पर बहुत ज़्यादा गर्मियाँ है, बहुत गर्मी लग रही है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर जो है, आप देख सकते हैं, ये हमारा करी है एंड शिवांग्स के लिए मैंने खिचड़ी बनाया है। तो जैसे ही मैंने बोलते बोलते ही बारिश स्टार्ट हुआ, एंड बारिश होने के बाद इतना अच्छा लग रहा था। ये टाइम 4:30 या फिर 3:30 ऐसा कुछ हो रहा था, लंच वगैरह हो चुका था, उसके बाद ही ये जो है इतनी ज़्यादा ठंडी मौसम हो गई थी। बहुत अच्छा लग रहा था, लिटरली बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत टाइम के बाद इतनी धूप, मतलब अच्छे से बारिश हुआ, ठंडी से हवा चल रही थी, बहुत टाइम से ये सारा कुछ जो है बंद था। एंड बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी, और ये होने के बाद तो मतलब मज़ा ही आ गया। एंड बहुत अच्छे से मैंने मौसम के इंजॉय भी किया। तो यहाँ पे शाम भी हो चुका था, शाम को मेरा जो पूजा होता है, बहुत सारा कुछ करने के बाद सानवी का ये बन था, जो स्वीट बन होता है वो खा रहा था, और यहाँ पे मैं पटीस खा रही थी। तो हम दोनों खाने के बाद यहाँ पे जो ये जो क्लिप आप देख रहे हो ना, ये एक दो दिन छोड़ के मैंने बनाया था, ये पूरा एक दिन का नहीं है। तो यहाँ पर भी मैं नॉनवेज बना रही हूँ, ये चिकन करी है। चिकन करी का रेसिपी आप सबको पता ही है, बट मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत शेयर कर दिया है, क्योंकि जो मेरा डेली लाइफ रूटीन होता है वही तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसी वजह से ये मेरा काम है, ये लंच बनाया था, ये मेरा डिनर बन रहा है। तो डिनर पे सिंपल सा मैं चिकन करी बनाऊँ, जो कि बहुत ही यम्मी बना था उस दिन, लिटरली बहुत ही यम्मी था। तो यहाँ पे जो है मैंने सारा जो मसाला है वो डाल रही हूँ। एक्चुअली जैसे आप लोग बनाते हो सेम प्रोसेस में यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ। मसाला डाल, प्याज मैंने डाला, थोड़ा सा मसाला डाला, उसके बाद जितने सारे सूखे मसाला होता है वो सारा कुछ डाला है, जैसे कि यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक हो गया, या फिर चिकन पाउडर हो गया, गरम मसाला हो गया, ये सारे कुछ डालने के बाद मैं चिकन को मैरिनेट करके अच्छे से रखती हूँ दही से। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा तेल, हल्दी और नमक डाल के भी रख सकते हो। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ दही डाला था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था उस दिन, मैं रात को डिनर में बना रही थी, तो इसी वजह से तो मैंने फटाफट से दही डाल के उसको मिक्स कर दिया। दही डालने से क्या होता ना, टेस्ट थोड़ा सा अलग आ जाती है। एंड उस दिन ना क्या होता,
जिस दिन मैं ये चिकन करी बना रही थी उसी दिन जो दूध होता है ना वो फट गया था 2 पैकेट, तो मुझे लगा कि ना मैं उसका कुछ करती हूँ, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ जो उसको छेना पनीर तो नहीं है ये, वो जो है उसको मैं गोल गोल बना के अच्छे से उसको फ्राई करूँगी एंड उसका मैं करी बनाऊँगी। तो ये इसको मैं रात को ही अच्छे से बना के रख दूँगी एंड सुबह बनाने वाली थी, ओब्वियसली रात को तो नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने उसको अच्छे से मतलब मुझे मालिश करते हैं ना, मसाज करते हैं उस टाइप का किया, उसके बाद वो प्लेन हो गई थी एकदम से, हाथ को बिल्कुल भी प्लेन लगेगा, स्मूथ लगेगा। उसके बाद यहाँ पे उसका मैंने बल बना लिया एंड उसको मैंने गरम गरम ऑयल से इधर उधर करके गोल्डन फ्राई बनाना है, मतलब इतना ज़्यादा अच्छे से फ्राई करना है जैसे कि वो ब्लैक भी ना हो एंड अच्छे से वो पक भी जाए अंदर से, इस टाइप का करना है। तो ये मैंने कर लिया। ये जो है मैं जो हमारी नेक्स्ट डे के लिए बना रही थी उसी दिन नहीं बनाने वाली थी, तो ये नेक्स्ट डे का प्रिपरेशन भी उसके साथ साथ हो रहा था क्योंकि चिकन के साथ साथ बोर भी लग रहा था, चिकन छोड़ के भी नहीं जा सकती क्योंकि मैं खाना बनाते इस टाइम उसको छोड़ के नहीं जाती हूँ, पता नहीं अगर लग जाएगा तो क्या होगा, तो इसी वजह से। और यहाँ पे मेरा करी भी रेडी हो गया था, तो फटाफट से ये था मेरा डिनर, आप देख सकते हो राइस चिकन करी, उसके साथ मैंने थोड़ा सा अचार भी लिया था एंड उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी मेरी वीडियोज़ करने। वीडियोज़ मैं रात को कर रही हूँ क्योंकि जो शाम का मतलब जो दोपहर का टाइम पे लाइट नहीं था, उसके साथ साथ बारिश भी हो रही थी एंड गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है तो उस टाइम नहीं हो पाता है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर रात को वीडियोस की, मेरे नाइट स्किन केयर रूटीन किया। उसके बाद हम लोग जो फैमिली टाइम करने के लिए थोड़ा बहुत छत पे चले गए थे, सानवी जिबांग्स में और मेरी हस्बैंड, तो थोड़ा सा फैमिली टाइम भी स्पेंड किया क्योंकि बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था तो बहुत ही अच्छा लगा। तो बस ये था मेरा छोटा सा रूटीन, आई होप आज के आपको वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपको न्यू ब्लॉग के साथ या फिर न्यू वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय।